देश आज कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी कमर कस ली है। कोरोना वायरस के चलते फैली इस महामारी से निपटने के लिए भारतीय सेना ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत करने जा रही है, जिसका ऐलान खुद सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने किया। अगर हमने अपने देशवासियों की मदद करनी है तो हम ये मदद तभी कर पाएंगे जब हम खुद सुरक्षित होंगे और फिट होंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले कई सप्ताहों से हमने 2-4 एडवाइजरी निकाले हैं, जिनका आपका पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऑपरेशनल एरिया में तैनात नहीं हैं, जो LC या LAC पर नहीं है, जो CICT में नहीं है, वो ज़रूर लॉकडाउन और अन्य आदेश जो सरकार ने दिए हैं उसका पालन करें। मुझे इस बात का ध्यान है कि जो आदेश पास हुए हैं, खास करके जो छुट्टी पर पाबंदी लगाई गई है, उसके वजह से कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। और पराक्रम के दौरान 2001-2002 में कई महीनों, 8-10 महीनों कोई भी छुट्टी नहीं गया था, और पराक्रम में भी हम विजयी निकले हैं, और इस बार भी आप नमस्ते में भी हम फतेह हासिल करेंगे। आप निश्चिंत होके अपनी ड्यूटी करें, आपके परिवारों का ख्याल हम रखेंगे। उसी तरह मैं परिवारों को कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें, आपके सैनिक सुरक्षित हैं। अगर किसी को भी कोई तकलीफ होती है तो आप सबसे नज़दीक वाले आर्मी कैंप में जाएं। ये संदेश मैं अपने वीर नारी और वेटरन्स को भी देना चाहता हूं कि आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। आपको भी कोई तकलीफ होती है तो आप नज़दीक के कैंप में जा सकते हैं, और अगर नहीं जा सकते तो हमने कमांड वाइज हेल्पलाइन स्थापित किए हैं, वहां पर फ़ोन करके जो भी अपनी समस्या हो उसको बताएं और हम ज़रूर उसको दूर करेंगे। कोरोना से छिड़ी इस जंग के बीच भारतीय सेना ने कुल 8 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए हैं। ऑपरेशन नमस्ते का ऐलान करते हुए आर्मी चीफ MM नरवणे ने कहा कि सेना ने अतीत के सभी अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और ऑपरेशन नमस्ते को भी सफलतापूर्वक अंजाम देगी। सेना प्रमुख जनरल MN नरवणे ने साफ किया है कि कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए सेना ने ऑफ नमस्ते शुरू किया, और उन्होंने संदेश दिया अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को, तमाम भूतपूर्व सैनिकों को कि इस महामारी से घबराने की जरूरत नहीं है और इससे डटकर सेना लड़ेगी। सेना ने पहले भी इस तरह के ऑपरेशन किए हैं, इस तरह की चीज़ों से निपटा है, और अब भी सेना इसमें पूरी तरह से विजय होगी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में पहले ही 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।